1 लाख रुपए से ज्यादा मेरे अभी पैसे बचे हैं क्रेडिट कार्ड की वजह से। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। रिसेंटली मैं एक्चुअली मुझे एक लैपटॉप लेना था, मैं मैकबुक ले रहा था, 72,000 में स्टार्ट होता है अब बेस वेरिएंट, जिसके अंदर खाली 128 GB की स्टोरेज होती है। मुझे वही चाहिए था, मेरा बजट उतना ही था, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने बहुत जगह पर सर्च किया, मुझे नहीं मिला, तो मैं एक वेबसाइट पर गया जहाँ के कॉन्टेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन लगे। मैंने वहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद आप मानोगे नहीं, वहाँ से ना तो मुझे कोई टेक्स्ट आ रहा है, ना मुझे कॉल आ रहा है। मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, मैं उनसे कॉन्टैक्ट कर ही नहीं पाया। एट द एंड ऑफ द डे मुझे पता चला, 2-3 दिन में आई रियलाइज कि इट इज़ अ फेक। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर था कि मैंने अपने पैसे लूज़ कर लिए। क्रेडिट कार्ड में इंश्योरेंस होना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब आपका ये इंश्योरेंस आप लेते हो तो आपको रिफंड मिल जाता है। मुझे ये चीज़ पता थी, मैंने स्टार्टिंग से ये करके रखा था, हमारी टीम ने ये करके रखा था, तो इतनी सारी प्रॉब्लम हमें नहीं हुई। और इसके लिए मैंने क्या किया, इस चीज़ को रिपोर्ट किया अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी में। उन्होंने मुझे सारा पैसा रिफंड कर दिया 5-6 दिन में। और अभी ये जो कुछ भी स्कैम मेरे साथ हुआ है, ये जो कुछ भी रिपोर्ट हुआ है, वो अभी क्रेडिट कार्ड की कंपनी खुद उनसे डील करेगी। ये ऑप्शन होता है, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, इसी के लिए मैंने सोचा ये छोटी सी स्टोरी शेयर कर देता हूँ। और बीइंग अ क्रिएटर आई नो इट्स नॉट अ गुड थिंग टू आस्क एंड जस्ट गो टू रैंडम वेबसाइट्स, लेकिन समटाइम्स यू जस्ट गो, आपको नहीं पता होता बट यू गो। तो इसीलिए आप सब लोगों को भी ये बात बतानी बहुत ज़रूरी थी। ऐसे ही स्मार्ट डिसीजन लेके आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके बहुत सारे अपने पैसे बचा सकते हैं।